wonderful shot all the way for six. What a player. स्वागत है दोस्तों दिस साल कप किसका सीरीज में. आईपीएल यूजुअली हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट देता है और खुशी का माहौल होता है, पर आज थोड़ा एक हिकअप हुआ है जो वरुण चक्रवर्ती और संदीप, होपफुली बोथ ऑफ देम आर ओके. एंड हमारा ये सोच रहा है कि अगले एक हफ्ते तक प्रोबेबली मैचेस नहीं होंगे. अगर हो भी रहे हैं कल के मैच के लिए मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स, हम लोग आपको फैंटेसी टिप्स देंगे. अगर मैच नहीं हुआ तो रखिए टिप्स, काम आएंगे जब भी मैच शुरू होगा. सो अगर मैच हुआ, आकाश कैसे बन रहा है ड्रीम इलेवन? मुंबई का बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग है और सनराइजर्स के टॉप ऑर्डर भी स्ट्रांग है, तो बहुत सारे रन बनने के फिर से चांसेस है. जैसे कि हमने देखा कि कैसे जॉस बटलर ने सेंचुरी बनाया था, तो कल के लिए फिर से हम लोग टॉप ऑर्डर बैट्समैन लेने वाले हैं. कीपर और बैट्समैन के अंदर बेस्ट अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे पिछले मैच में, लेकिन जल्दी आउट हो गए 30 रन बना के, तो शायद वो अपना फॉर्म कंटिन्यू करना चाहेंगे. उनके साथ हम डिकॉक को भी विकेट कीपर के तौर पर लेंगे क्योंकि वो ओपनिंग बैट्समैन है. और बैट्समैन में हमने दो सनराइजर्स के और दो मुंबई के बैट्समैन खिलाए हैं. रोहित शर्मा को हम कैप्टन बनाने वाले हैं इस मैच के लिए. उनका काफ़ी टाइम से अच्छा फॉर्म चल रहा, लेकिन बड़ा इनिंग्स कुछ आया नहीं है, तो हम चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे और कल के लिए हम उनको कैप्टन बना रहे. सूर्य कुमार यादव का भी वही हालत है कि अच्छे स्टार्ट्स मिल रहे लेकिन वो कैरी ऑन नहीं कर पा रहे, तो शायद कल का दिन अच्छा हो उनके लिए. केदार यादव और केन विलियमसन को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, वो सनराइजर्स के टॉप बैट्समैन हैं. और केदार यादव हम बजट की वजह से 8 पॉइंट में मिल रहे और पिछले मैच में अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे बॉल को. ये है हमारे बैट्समैन और कीपर. ऑलराउंडर्स में हम लोगों ने मोहम्मद नबी को लिया है. पिछले मैच में खेले थे मगर बॉलिंग ज्यादा नहीं मिला, एक ही ओवर मिला मगर पिट गए, मगर बैटिंग में अच्छा स्ट्राइक्स मारे थे. उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, हम सोच रहे हैं कि उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, एक और चांस देंगे उनको. और बॉलर्स में राशिद खान, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं और विकेट्स भी लेते हैं. पावर प्ले में भी बॉलिंग कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा विकेट्स लेंगे. और जसप्रीत बुमराह को हम वाइस कैप्टन बना रहे हैं इसीलिए कि उनका एक हिस्ट्री है, जब भी आईपीएल में 40 रन के ऊपर एक मैच में देते हैं उसके अगले मैच में धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसीलिए वो सोच के हम लोगों ने उसको वाइस कैप्टन बनाया. हम सोच रहे हैं कि नेथन कुल्टरनेल भी खेलेंगे कल. ट्रेंट बोल्ट को भी लिया है हमने. ट्रेंट बोल्ट इनिशियली अगर बॉल स्विंग होगा तो बहुत ही खतरनाक होंगे. आईपीएल T20 ऑफिशियल फैंटेसी लीग के लिए अगर गेम होता है ऑब्वियसली, तो जैसे आकाश ने कहा काफी हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं दिल्ली में, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये भी हाई स्कोरिंग होगा. तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन से भर दीजिए, बॉलर्स बुमराह जैसे अच्छा परफॉर्मेंस करने की एक्सपेक्टेशन है, बट मुझे नहीं लगता कि बॉलर्स कुछ खास करेंगे अगर अच्छी बैट्समैन पिच हुई तो. बेस्टो मनीष पांडे और रोहित, इन तीनों को मैं लूंगा. मैं रोहित को कैप्टन बनाऊंगा. नबी या होल्डर, इनमें से दोनों में से जो भी खेलता है उसको आप वाइस कैप्टन बना दीजिए. अगर मैं तो यही करने वाला हूँ, मुझे लगता है शायद ये लोग होल्डर को फिर से चांस देंगे, बिकॉज अगर नबी आखिर में ओवर करेंगे ऑफ स्पिन तो कोई मतलब ही नहीं है, तो शायद एक सीम बॉलर ओवरसीज ज़्यादा हेल्पफुल होगा इनके लिए. और अनकैप में ज़्यादा कुछ खास चॉइसेस है नहीं, मुंबई में तो कोई अनकैप है नहीं. अब्दुल समाद एक डिसेंट चॉइस है, तो आप फ्री ट्रांसफर यूज़ करना तो उसको यूज़ कर लीजिए, वरना कोई आगे के गेम्स को देख के आप कोई अनकैप प्लेयर ले लीजिए. रोहित कैप्टन, नबी या होल्डर वाइस कैप्टन, होपफुली आप अच्छे पॉइंट स्कोर करेंगे. ओके, बढ़िया. थैंक यू विशाल, आकाश और संजय. जाते जाते दो चीज, जैसे हम हर रोज आपसे विनती करते हैं, घर पे रहिए प्लीज, अगर बाहर भी जाना है आपको तो मास्क पहन के जाइए. दिस इज ऑल वेरी रियल. अगर आप इम्पैक्टेड हो तो प्रेइंग एंड होपिंग फॉर योर स्पीडी रिकवरी. हैंड सैनिटाइज करिए. एंड हमारे वाटर प्लेयर ग्रुप से हर रोज एक मेंबर एक मैसेज डाल रहे हैं हर दुनिया के कोने से, सो प्लीज आप सुनिए, एक दो मिनट का क्लिप है. एंड सेकेंड थिंग डिस्क्लेमर, ये फैंटेसी टिप्स अगर मैचेस होंगे तो 18 प्लस के लिए ही हैं, और जो भी हम लोग टिप्स दे रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए है. पैसे जाने का बहुत रिस्क है, एंड जैसा हमेशा हमको विशाक बताते हैं, गुड लक एंड होप यू विन लॉट ऑफ मनी. स्टे सेफ एवरीबॉडी. थैंक यू गाइस. स्टे सेफ एवरीवन.